झरिया थाना क्षेत्र होड़लाडी ईटा भट्टा के समीप मिला युवक का शव। दो दिनों से लापता युवक का खून से लथपथ शव बरामद। आपको बता दे, मृतक का नाम रौशन राउत उर्फ छोटू बताया जा रहा है, जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष है। मृतक खेती बाड़ी कर सब्जी उगाने का काम किया करता था। मृतक कल शाम 6 बजे से ही घर से गायब है, जिसके बाद रात तक घर वालों ने कई बार युवक से फोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो सकी। घबराए घर वालों ने इसकी सूचना झरिया थाने को दी और शुक्रवार की रात भर युवक को ढूंढते रहे, लेकिन युवक का कहीं पता नहीं चल पाया। वहीं शनिवार की सुबह स्थानीय लोगों को सड़क किनारे खून का धब्बा दिखा। लोगों को किसी अनहोनी की आशंका हुई। स्थानीय लोग और परिजनों ने आसपास खोजबीन शुरू कर दी। साथ ही मृतक के पिता ने झरिया थाना को इसकी सूचना भी दी। सूचना मिलते ही झरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। आसपास के क्षेत्रों में छानबीन शुरू कर दिया गया, जहां कुछ ही दूरी पर युवक का पत्थर से कुचला शव बरामद हुआ। शव मिलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मिली थी कि हवी नगर क्षेत्र में कोई ब्लड स्टेन है, तो सूचना मिली है। उसके तुरंत बाद पुलिस जो है रिस्पॉन्ड की, वहां पहुंची। ब्लड स्टेन किसी का है, क्या है, नहीं है, तो उसी ट्रैकिंग पे जब पुलिस उसको फॉलो अप करके अपने हिसाब से जब आगे बढ़ी, तो एक डेड बॉडी मिला। डेड बॉडी ऑलरेडी आइडेंटिफाई है। देखने से लगता है कि पत्थर या चाकू से उसके ऊपर हमला किया गया है। देर रात की घटना देखने से पता चल रहा है। पुलिस जो है उसकी सूक्ष्मता से जांच कर रही है, हर बिंदु पर अनुसंधान कर रही है, और ये कुछ पर्सनल राइवलरी का मैटर लग रहा है। तो पुलिस इस हद तक पहुंच गई है कि इस घटना का बहुत जल्दी जो है खुलासा कर देगी, और हर पहलू पर गहराई से अनुसंधान किया जा रहा है, और हमको विश्वास है कि घटना जो है बिल्कुल जो है सही समय पर डिटेक्ट हो जाएगा, और जो भी इसमें लोग इन्वॉल्व हैं इस घटना में, उस पर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चाची बताइए तो, रात में खोजे तो दो लड़का मिला, तब बोले कि छोटू मिला बाबू, वही लोग मोबाइल से फोन करिए। हाँ, फिर वो लोग इधर आ गए, तो मम्मी लोग उधर भैया को और ढूंढने गए, तो फिर हमको नहीं मिला। फिर मम्मी 2 बजे उठी, 3 बजे उठ के देख रही कि जो बेगान वगैरह रहने होने उन्हें सब लोग गए, कभी मतलब उससे किसी से झगड़ा वगैरह भी हुआ था? बस उसी से, और मोहल्ला में कभी भी कोई से झगड़ा। ये सब लड़का जो रोशन कुमार राउत।